स्टूडेंट्स, आज हम समाजवाद के अंतर्गत पियरे जोसेफ प्रूधों के विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। एंजल्स ने सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और रॉबर्ट ओवन को कल्पनावादी समाजवाद के लेखक कहा है। सिसमोंडी को मार्क्स ने मध्य वर्ग का समाजवादी घोषित किया था। प्रूधों पर आकर समाजवाद सर्वहारा वर्ग के समाजवाद की ओर उन्मुख हुआ है। इस प्रकार से प्रूधों काल्पनिक समाजवाद एवं वैज्ञानिक समाजवाद के संधि स्थल पर स्थित हैं। प्रूधों की स्थिति तथा श्रेणी को निश्चित करना और भी अधिक कठिन है। इनके जीवनकाल ने इस समस्या को और भी अधिक कठिन कर दिया है। यह कार्ल मार्क्स के समकालीन थे, परंतु वैज्ञानिक समाजवादियों में इनकी गणना नहीं हो सकती। सेंट साइमन सिसमोंडी के बाद पैदा होने पर भी इनके विचारों में काफ़ी समानता है। अतः इनके विचारों की समानता के आधार पर इनको इन्हीं विचारकों के समक्ष रखना उचित है। प्रूधों का जन्म 15 जुलाई 1809 को बोसाकन नामक स्थान में फ्रांस में एक गरीब परिवार में हुआ था। समाजवादी विचारकों में प्रूधों और कैवर ही निर्धन माँ बाप की संतान थे। इनके पिता का शराब का व्यवसाय था और माता एक किसान परिवार की थी। पूरी शिक्षा इन्होंने अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त की। यह एक छापे खाने में प्रूफ रीडर का काम किया करते थे, जहां उनको विविध विषयों की पुस्तकों को इच्छा अनिच्छा पूर्वक पढ़ना पड़ा। इसी समय अर्थशास्त्र का भी इन्होंने विधिवत अध्ययन किया। प्रूधों का अध्ययन विशाल था, उन्होंने लिखा भी बहुत है। इनके प्रधान ग्रंथों में जो ग्रंथ हैं वो इस प्रकार हैं। व्हाट इज़ प्रॉपर्टी 1840 में लिखा था। द फिलॉसफी ऑफ माइजरी 1846 में लिखा था। द जस्टिस, वह यहाँ की असेंबली के सदस्य भी चुने गए। इन्होंने एक पत्र निकाला जिसके कारण 3 वर्ष जेल में रहे। सन 1858 में देश छोड़कर इनको भागना पड़ा और फिर ये बेल्जियम चले गए और फिर पेरिस आ गए। यहीं जीवन पर्यंत रहे। इनकी मृत्यु 1865 में हो गई थी। अब अगर प्रूधों के आर्थिक विचारों की चर्चा करें तो सबसे पहला जो विचार आता है वो व्यक्तिगत संपत्ति पर आता है। उन्होंने 1840 में एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था संपत्ति क्या है, और उनके प्रथम पृष्ठ पर उनका उत्तर लिखा था व्यक्तिगत संपत्ति चोरी है। इस प्रकार इनका नारा हो गया था संपत्ति चोरी की वस्तु है, प्रॉपर्टी इज थेफ्ट। उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति का औचित्य बताने वाले सभी तर्कों का खंडन किया है। जेबी से का कथन है कि चूंकि भूमि की मात्रा सीमित है, अतः भूमि का स्वामित्व उचित है। प्रूधों ने कहा कि इस तर्क से कतई सिद्ध नहीं होता कि स्वामित्व उचित है। उनके अनुसार भूमि का सीमित होना इस बात की पुष्टि करता है कि वह सबके उपयोग के लिए होती है और होनी भी चाहिए। आचार्य विनोबा भावे का बहुदान सिद्धांत भी इसी मान्यता को स्वीकार करके चलता है। प्रूधों के अनुसार भी भूमि प्रकृति का उपहार है और वह सबके उपभोग के लिए होनी चाहिए, उस पर किसी का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि श्रम करने वाले को भी भूमि पर स्वामित्व मिलना चाहिए। उनके अनुसार समाज की सभी आर्थिक पीड़ाएँ व्यक्तिगत संपत्ति के कारण होती हैं। उनका यह एक विचार स्मरणीय है। श्रम के विभाजन के अंतर्गत व्यक्तिवादी संपत्ति धन के परिभ्रमण में एक कड़ी है और उस संपत्ति का स्वामी एक प्रकार का कर उगाहने वाला ही होता है। जो भी वस्तु उसके पास से गुजरती है उसमें से वह कुछ कटौती कर लेता है। संपत्ति का स्वामी असली चोर है। संपत्ति क्या है, इस विषय में उनके शब्द हैं, संपत्ति
उद्योग के प्रतिफल पाने का अधिकार है, अर्थात दूसरों के श्रम का पुरस्कार पाने या अपनी इच्छा अनुसार उसको व्यय करने का अधिकार है। प्रूदों संपत्ति को रखने के विरोध में नहीं थे, परन वह संपत्ति के स्वामित्व के विरोध में थे। प्रूदों साम्यवादी व्यवस्था अर्थात संपूर्ण संपत्ति पर राज्य के स्वामित्व हो ऐसा नहीं कहते थे। स्वामित्व मात्र खराब है, भूमि आदि संपत्ति सबके उपयोग के लिए है परंतु उसका कोई मालिक नहीं होना चाहिए। जी डॉरिस्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रूदों के ग्रंथ के पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक बराबर एक वाक्य गूंजता है कि संपत्ति चोरी की वस्तु है। वस्तुतः संपत्ति से उनका विरोध इस कारण था कि संपत्ति के स्वामी की जो आय होती है उसके लिए उसने त्याग कोई श्रम नहीं किया हुआ होता है। दूसरी जो उनकी आर्थिक दूसरा जो विचार है वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रूदों इस बात से अवगत थे कि व्यक्तिगत संपत्ति तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर राज्य का स्वामित्व करने का अर्थ होता है कि आदमी की स्वतंत्रता का अपहरण अर्थात राज्य की प्रधानता। प्रूदों व्यक्ति की स्वाधीनता के विषय में कट्टर थे और उनके बारे में उनके विचार लगभग अराजकतावादी थे तथा बाद के लेखक प्रिंस क्रोपाटकिन बाकुनिन तथा मेल्टेस्ट्रा आदि से मिलते जुलते थे। समाज की संपत्ति के स्वामित्व को बदलना है, उसकी स्वाधीनता को कम नहीं करना है। प्रूदों का यह अराजकतावादी साम्यवाद विचित्र सी चीज़ है। स्वतंत्रता उसके चिंतन की आधारशिला है। वस्तुतः प्रूदों का आदर्श स्वतंत्रता था, समाजवाद नहीं। स्वतंत्रता के विषय में उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता ही मेरे विचारों का मूलाधार है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, श्रम की स्वतंत्रता, व्यापार और प्रचार की स्वतंत्रता, श्रम और उद्योग के प्रतिफल को इच्छानुसार व्यय करने की स्वतंत्रता ही ध्येय है। ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जो पूर्ण, अंततः शाश्वत एवं सुलभ हो। अन्य समाजवादी विचारकों की उन्होंने आलोचना की है। प्रूदों ने पहले के और अपने समकालीन समाजवादियों की तीव्र आलोचना की है। वे साम्यवादी सिद्धांतों के विरोधी थे। उन्होंने लिखा है, व्यक्तिगत संपत्ति में शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर का शोषण करते हैं तथा साम्यवाद कमजोर शक्तिशालियों का शोषण करते हैं। संपत्ति की अवस्था में परिस्थितियों की असमानता शक्ति के कारण होती है, परंतु साम्यवाद में समानता इस कारण उत्पन्न होती है कि साधारण और श्रेष्ठ सभी चीज़ें एक दूसरे के बराबर कर दी जाती हैं। साम्यवाद उन्हें सहन नहीं था। उनके अनुसार साम्यवाद व्यक्तिवाद संपत्ति की संपत्ति नहीं होती, केवल स्थानांतरण हो जाता है, हस्तांतरण हो जाता है। संपत्ति पर अधिकार मात्र खराब है। संपत्ति का उपयोग ही उपयोग हो परंतु उसके उपयोग के बदले में कुछ भी लेने का अधिकार किसी को भी नहीं होता और नहीं होना चाहिए। वे श्रमिकों के संगठन के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनके अनुसार उससे श्रमिकों की स्वतंत्रता नष्ट होती है। शौकिया समाजवादियों की भी उन्होंने आलोचना की है क्योंकि वे गरीब जनता के संपर्क में नहीं होते हैं। कल्पनावादियों की भी उन्होंने निंदा की है क्योंकि इन लोगों ने मानव प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया और वे मनुष्य की स्वतंत्रता के अपहरण की बात करते हैं। नेक्स्ट जो उनका विचार है वो है अराजकतावाद एवं सामाजिक न्याय। स्वतंत्रता के समान न्याय को भी वे अति आवश्यक समझते थे। उन्होंने न्याय की परिभाषा में कहा है कि प्रत्येक मानव के गौरव के प्रति सहज और पारस्परिक सम्मान न्याय है, चाहे वह कोई भी हो और किसी भी परिस्थितियों में हो। समाज इस प्रकार का होना चाहिए कि सब व्यक्ति परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें। मनुष्य मनुष्य का स्वामी नहीं है। स्वयं व्यवस्था का सामाजिक प्रबंध भी मनुष्य पर शासन न करें। उन्होंने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था मनुष्य की लेखक होनी चाहिए, मालिक नहीं। स्वतंत्रता व्यवस्था की पुत्री नहीं, माता है। अर्थात अराजकतावादी समाज में ही सामाजिक न्याय संभव है। वस्तुतः सामाजिक विज्ञानों में अराजकतावादी का प्रयोग सर्वप्रथम प्रूदों ने ही किया।
मूल्य का श्रम सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के अर्थशास्त्र का यह प्रधान सिद्धांत है जिसे उन्होंने एडम स्मिथ तथा रिकॉर्डो से ग्रहण किया था। प्रूधो ने भी इसी से मिलती जुलती बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी वस्तु का मूल्य उसके निर्माण में लगे हुए श्रम के समय और व्यय के बराबर है। उनके अनुसार वस्तु का मूल्य लागत के बराबर होना चाहिए, उपयोगिता के बराबर नहीं। उपयोगिता द्वारा मूल्य इसलिए प्रभावित होता है कि मनुष्य स्वाधीन नहीं है। समाज को साधारण सुलभ वस्तुओं की भांति ही दुर्लभ वस्तुओं के विनिमय और वितरण को भी इस प्रकार नियंत्रित करना चाहिए कि प्रत्येक को उनका उपभोग करने का अवसर मिले। बुद्ध ने अतिरिक्त मूल्य की भी थोड़ी बहुत व्याख्या की है। जब मजदूर मिलकर काम करते हैं तो कुछ उत्पादन सम्मिलित प्रयास के कारण बढ़ जाता है, जिसके लिए पूंजीपति कुछ भी नहीं देता। मजदूर को अपनी मजदूरी ही मिलती है तथा शेष राशि को पूंजीपति ले लेता है। प्रूधो के अनुसार उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी और श्रम है। भूमि प्रकृति का मुफ्त उपहार है, उसकी उसको कुछ देने का प्रश्न ही नहीं। पूंजी पर से आधिपत्य समाप्त होना चाहिए, अतः उसके उपयोग के बदले में भी कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण धन पर केवल श्रम का ही अधिकार है, संपूर्ण धन केवल श्रम की ही उपज है। नेक्स्ट है विनिमय का सिद्धांत। प्रूधो ने अपने सिद्धांत को मूर्तमान रूप देना चाहा, वे उत्सुक थे मूर्तमान रूप देने के, अतः उन्होंने विनिमय के सिद्धांत तथा विनिमय बैंक की कल्पना की। संपत्ति चोरी की वस्तु है, अतः संपत्ति के स्वामी को संपत्ति के उपयोग के बदले में कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। पूंजी का ब्याज भी नहीं होना चाहिए, ऋणों पर ब्याज शून्य होने चाहिए। ब्याज या किराए के शून्य हो जाने पर संपत्ति या पूंजी का अधिकार समाप्त हो जाएगा। ब्याज या किराए के लोभ से ही लोग धन को पूंजी या संपत्ति के रूप में रखना चाहते हैं, परंतु बिना ब्याज के पूंजी किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसके लिए प्रूधो ने एक विनिमय बैंक का सुझाव दिया जहां बिना ब्याज के उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध हो सकेगा। यह बैंक कागज के नोट निर्गमित करेगा, जब ऋण वापस होंगे तो मुद्रा रद्द कर दी जाएगी, धरोहर के रूप में उत्पन्न माल को रखा जाएगा। राज्य की विधानसभा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, परंतु प्रूधो इस बात पर दृढ़ थे कि श्रम ही उत्पत्ति का साधन है, पूंजी को ब्याज पाने का अधिकार नहीं है। मजदूरों को बिना ब्याज के पूंजी देने के लिए उन्होंने 1849 में पीपल्स बैंक के नाम से एक बैंक स्थापित की। प्रूधो के विचारों का मूल्यांकन अगर हम करें तो प्रूधो के विचारों से ये पता पड़ता है कि प्रूधो का चिंतन निषेधात्मक है। उन्होंने कुछ बातों की निंदा की है, जैसे व्यक्तिगत संपत्ति, साम्यवाद, समाजवाद आदि की आलोचना की है, परंतु व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए इस विषय में उनका कोई चिंतन स्पष्ट नहीं है। उनका व्यावहारिक कार्यक्रम भी उलझा हुआ है, स्वयं व्यक्तिगत संपत्ति के विषय में भी विरोधाभास दिखाई देता है। उनका विनिमय सिद्धांत व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, फिर भी प्रूधो का ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने समाजवादी विचार के क्षेत्र में योगदान दिया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने समाजवादी चिंतन को नवीन विचार दिए तथा तत्कालीन विचार को प्रोत्साहन दिया, यही उनका विशेष महत्व है। इसके साथ ही अराजकतावाद के सिद्धांत के वे जनक थे। हालांकि उन्होंने कल्पनावादी समाजवाद का उपहास किया है, परंतु स्वयं उनका आदर्श भी कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं था। वे न पूरी तरह समाजवादी हैं, न पूरी तरह अराजकतावादी और न ही व्यावहारिक अर्थशास्त्री। उनके विचार में बहुत सी असंगतियां एवं परस्पर विरोधाभासी बातें हैं। उनका विनिमय बैंक का विचार नितांत ही असफल प्रयोग सिद्ध हुआ। वे परिवार को बहुत महत्वपूर्ण संस्था मानते थे और वे समाजवादी थे। वे राज्य का शासन और धन का स्वामित्व नहीं चाहते थे, इस दृष्टि से वे अराजकतावादी थे, जो समाजवाद का विरोधी सिद्धांत है। थैंक यू।